ऐसी दीवानगी। तो पोपरे में उसने मुझे अपनी जान की परवाह किए बिना उन गुंडों से बचाए। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। I'm in love with you, प्रेम सिंह राठौर। जो किया गलत है काका। जो आदमी मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, मैं उसे सजा क्यों ना दूं? क्या अपने परिवार को बचाने के लिए किसी और के परिवार को बर्बाद कर दे? एक सब तौर नहीं सुनूंगा मैं अपने पापा के खिलाफ। चुप बैठता हूं। अभी अर्जुन से खड़ी होकर क्या बात कर रही थी तू? मैं अर्जुन से बात करूँ या किसी और से, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम हो कौन? क्या लगते हो मेरे? और किस हक से ये सब कर रहे हो? उस हक से जब मैंने सारी रात जाग कर तेरी देखभाल की। क्या मैंने तुमसे कहा रात भर जगो मेरे लिए? तो फिर क्यों कर रहे हो ये सब? क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। चल खिचड़ी खा ले। अरे इस हाथ पे जोर नहीं डाला है, मैं खिला रही हूँ ना। चल पानी देती हूँ। अरे प्रेम क्या कर रहा है? आराम से। काकी मुझे पानी और दे दो। किसी वधारे लेने आऊँ? हाँ चल, और मैं मिल्कशेक बना के लाती हूँ। हाँ प्रेम, प्रेम आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया। सॉरी मैं तुझसे माफी मांगता हूँ कि मैंने तुझसे प्यार कर लिया। प्रेम प्लीज एक बार मेरी बात सुन। कुछ नहीं सुनना है, समझी? एक्चुअली ये जो कुछ भी हुआ ना, अच्छा ही हुआ। कम से कम मुझे इस बात का पता तो चला कि तू मेरे बारे में क्या सोचती। जानती है मैंने तेरे लिए जो किया वो मेरे दिल में, और तूने वो किया जो तेरे दिल में। पर अफसोस, अफसोस तो इसी बात का है कि मैं चाहे जो कह लू जो कर लू, तेजस्विनी मेहता के लिए प्रेम सिंह राठौड़ हमेशा गलत रहेगा। एक बार में कहीं भी बात समझ में नहीं आती। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे भी अब तुमसे कोई बात नहीं करनी है प्रेम सिंह राठौर। इन सालों के घर में एक गिलास पानी का मत छोड़ना। सुनिए नहीं नहीं ऐसे मत करिए।
फर्टीचर फ्रेम। अरे ये मेरे किस काम का, कोई दौर पे नहीं देगा इसके। पापा, भाई साहब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मत निकालिए हमें इस घर से, हम लोग कहाँ जाएंगे? भाई साहब मैं आपके पैर पड़ती हूँ। समझ में नहीं आता मैंने क्या बोला, निकलो यहाँ से, चलो चलो। तेजू तू यहाँ? आप ऐसा नहीं कर सकते, हमने आपसे पैसे उधार लिए, अपना आत्मसम्मान नहीं बेचा है आपको, और अपनी हिम्मत कैसे मेरी माँ को हाथ लगाने की? एक मिनट, हम यहाँ से बाहर जाएंगे कैसे? जिसनी, देखो तुम प्लीज मुझे गलत मत समझना, देखो ये सब मैंने किया था, ये सब मैंने ही प्लान किया था, बट वो ताले वाला मैंने नहीं किया, मेरी बात मानो, ये मुझे पता है प्रेम, ये सब तुमने नहीं किया, आई ट्रस्ट यू। पर अभी हम दोनों को मिलकर ये सोचना है कि हम यहां से कैसे निकले। ओके ओके, एक काम करते हैं, अर्जुन या प्रीति को कॉल कर देते हैं, वो आके ताला खोल देंगे, है ना? हाँ, मैं करता हूँ, मेरा फोन तो बंद हो गया था, इसमें तुम अपने फोन से करो। हाँ, बैटरी कम है पर फोन लग जाएगा। प्रीति फोन उठा, मुझे तरीके से ज्यादा रिजल्ट की परवाह है, इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो। देखो ज्यादा बोलो मत, अगर किसी को पता चल गया ना कि संग्राम सिंह की जगह मैं यहाँ बैठा हूँ तो तुम्हारी डोली से पहले मेरी आरती उठ जाएगी। I love him. I genuinely do. और अगर मेरी शादी पूरब से हो जाती है ना तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार। पूजा के मन को समझ सकती हूँ, हो सकता है कि वो डॉक्टर आनंद को भुला ही ना पाई हो। डॉक्टर आनंद का हसमुख अंदाज, उनकी पर्सनैलिटी, उनका स्टाइल, हो सकता है इन सब के सामने पूजा को तुम्हारी सादगी फीकी लग रही हो। तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा? पति पत्नी होने के बावजूद भी ये दूरी का कारण क्या है? तुम लोग कौन होते हो मुझे बाहर निकालने वाले? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो चली। मारी बाजी भा, पूरे तेसु गांव को नचाने वाली सेठ जी कैसे पागलों की तरह नाच रही थी। देवी हमें हर एक कदम फूक फूक के रखना होगा। बर्बाद कर दिया उस लड़की ने हमें, मेरी गौरी ला दो मुझे, गौरी। इतना बड़ा इवेंट है और ऊपर से ये जन्माष्टमी की भीड़, कहाँ से शुरू करें ढूंढना मोहित को? ये सच नहीं हो सकता। मामा, 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 जिस फ्लाइट में मिरिंडाज आ रहे थे पैसिफिक कोस्ट की स्टॉर्म की वजह से रेडार में नहीं है।
मुझे फिलहाल सिर्फ एक ही सवाल का जवाब चाहिए कि तुम्हारे और मेरे भाई के बीच में क्या सीन चल रहा है। और हाँ, तुम्हारे और भाई के बीच में जो कुछ भी चल रहा है ना, मैं चाहता हूं कि वो आज ही खत्म हो जाए। राइट नाउ, डू यू अंडरस्टैंड? व्हाई शुड आई अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंड? तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर करने वाले कि मैं इससे बात करूं, उससे बात नहीं करूं? मेरी जिंदगी है, मुझे जो मन में आएगा वो करूंगी। नाउ यू अंडरस्टैंड? क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे लिए ठीक नहीं है ये। तुम्हारी लाइफ में तो कोई खुशियां है नहीं, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास नहीं रहता, कम से कम मुझे तो खुश रहने दो यार। तुम इसके बारे में घर में किसी को नहीं बताओगे, पर अगर तुमने ऐसे किया ना, मैं तुम्हें और तुम्हारी स्वीट सी डॉटर्स को घर से बाहर निकाल दूंगी।